चलिए रुक करेंगे धमतरी का, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको धमतरी से बता दें, जहां तालाब में डूबने से दो मासूम बच्चियों की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, तालाब में डूबने से दो मासूम बच्चियों की मौत हो गई है। तालाब में नहाने गई थी दोनों बच्चियां और इसी दौरान डूबने से उनकी मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें धमतरी से, जहां तालाब में डूबने से दो बच्चियों की मौत हो गई है। शिवानी साहू 13 साल और आस्था निर्मलकर 10 साल की दोनों बच्चियों की मौत हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें धमतरी से, जहां दो मासूम बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। कुरुत थाना क्षेत्र के ग्राम अछोटी का ये पूरा मामला है, जहां दो बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें धमतरी से, जहां दो बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। दोनों ही बच्चियां तालाब में नहाने गई थी और इसी दौरान डूबने से उनकी मौत हो गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको धमतरी से बता दें, जहां दो बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता डोमन साहू जुड़ गए हैं। डोमन, दो बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत हुई है, क्या पूरी जानकारी है, विस्तार से बताइए। जी, मैं आपको बता दूं, कुरुत थाना क्षेत्र के ग्राम अछोटी का मामला है, जहां तालाब में डूबने से दो मासूम बच्ची की मौत हो गई है। वही तालाब में नहाने गए दोनों बच्ची शिवानी साहू और 13 साल की और आस्था निर्मलकर 10 साल की, नहाते वक्त डूबने से गहरे पानी में चले गई थी, डूबने से उसकी मौत हो गई है। फिलहाल कुरुत थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी जी तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका डोमन। तो बड़ी खबर आपको धमतरी से बता दें, जहां दो बच्चियों की पानी में डूबने से मौत हो गई है। आपको बता दें दोनों बच्चियां तालाब नहाने गई थी, इसी दौरान दोनों बच्चियां गहरे पानी में जाने से डूब गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।